नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषिश है और मोटर व्हीकल एक्ट के स्पेशल वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1 सितंबर 2019 से कुछ नए रूल्स और रेगुलेशंस आए हैं मोटर वाहन अधिनियम के, यानी मोटर व्हीकल एक्ट के। तो आप जैसा कि आप लोगों ने सुना भी होगा कि काफ़ी लोगों को, किसी को 1 लाख की जुर्माना लगाया गया, किसी को हज़ारों में लगाया गया है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी शर्तें हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें कि आप जुर्माने से बच सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं वही आपको बताऊंगा कि ऐसी क्या कंडीशंस हैं, ऐसी क्या शर्तें हैं जिससे कि आप जुर्माने से बच सकते हैं। तो आपको कब और कैसे आप इस जुर्माने से बच सकते हैं, ये हम देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जिन लोगों को ना पता हो, तो दो धाराएं ऐसी हैं, एक धारा 139 और एक धारा 158, ठीक है। तो इस मोटर वाहन अधिनियम की ये गजट इंडिया में भी है, जो भारत का राजपत्र जिसको आप बोलते हैं, तो उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है। और परिवहन की साइट पे, जो कि गवर्नमेंट की साइट होती है, उसमें भी ये बिल्कुल मेंशन है, बिल्कुल लिखा हुआ है कि हाँ, ये बिल्कुल सही है, इसमें आप बच सकते हैं। तो ये क्या कंडीशन होती है ऐसी, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स यानी आप अपने दस्तावेज ले जाना अगर भूल जाते हैं, और उस केस में अगर आपको कोई पुलिस वाला पकड़ता है या बोलता है कि आपका चालान काटता है, तो उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं और आप भूल गए, मान लिया आपके पास RC है या DL है, या आपके पास बीमा का रखा हुआ है, लेकिन आप उसको ले जाना भूल गए किसी भी कारणवश, ठीक है, तो उस केस में आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना चालान कटवा लीजिए, फिर आपको क्या करना है, आपको न्यायालय में या पुलिस स्टेशन में जाना है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ दिन बनाए गए हैं, जैसे कि अगर आप किसी विशेष मामले के लिए जा रहे हैं, मान लिया कि आप किसी की दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो उस केस में धारा 158 है, सेक्शन 158 है, जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आपको 7 दिन, विदिन 7 डेज आपको कोर्ट में जाना है और आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को दिखाना है, ठीक है। तो अगर आपके ये सारे डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं, तो उस केस में आपको जुर्माना नहीं पड़ेगा, या अगर आपको जुर्माना ज़्यादा होगा तो वह जुर्माना कम हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा मान लिया आपका विशेष मामला नहीं है, मान लिया आप किसी सामान्य मामले से गए हैं, तो उसके लिए जो निर्धारित दिन है वो है 15 दिन, मतलब 15, विदिन 15 डेज में अगर आप कोर्ट जाते हैं या पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपने सारे डॉक्यूमेंट दिखा देते हैं, तो आपको कोई भी जुर्माना देने की ज़रूरत नहीं है, या अगर पुलिस वाले ने आपका ज़्यादा चालान लगा दिया है तो वो कम हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें गैजेट में, और जैसे मैंने बताया कि परिवहन की साइट पे हैं, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये धाराओं में साफ साफ लिखी गई हैं। तो आप मेरा अगला वीडियो देख सकते हैं जिसमें कि मैं ये आपको वेबसाइट पे ले जाके फिर आपको दिखाऊंगा, अगर आपको काफ़ी डिटेल में जानना है तो, नहीं तो आप ये बिल्कुल विश्वास कीजिए कि ये ऐसी दोनों धाराएं हैं और आप इससे बच सकते हैं, ठीक है। तो एक यहाँ पे और चीज़ जानने योग्य है कि आप ये जो भी रूल है, ये नियम है, ये तभी लागू होगा जब आपके डॉक्यूमेंट्स यानी दस्तावेज नहीं है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें, मान लिया कि आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी है या आपने हेलमेट नहीं लगाया है, तो उस केसेस में वो अप्लाई नहीं होगा, उस केसेस में जो रूल्स हैं वही अप्लाई होंगे। तो ये आप कायदे से समझ लीजिए और इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैं आपको ये बताऊँगा कि ये जो भी प्रोसेस है वो कैसे काम करती है। जो जैसे कि आपका चालान मान लिया कट जाता है, तो वो क्या प्रोसेस होता है, काफ़ी लोगों को पता होगा, नॉर्मल सी चीज़ है, इसमें कोई वो नहीं है। तो जैसे पुलिस वाला मान लिया कि आपको रोकता है, आप पकड़े गए इसमें, तो वो आपके अपराध या कि ऑफेंस की जांच करेगा कि भाई क्या है आपके पास, क्या क्या चीज़ की नहीं है। मान लिया आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपने हेलमेट नहीं लगाई है, या आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी है, या जो भी है, तो वो आपका सिर्फ, उसका काम सिर्फ एग्जामिन करना है, वो सिर्फ आपका परीक्षण करेगा, वो तो चेक करेगा कि भाई आपके पास क्या क्या नहीं है। अगर जो भी चीज़ें आपके पास नहीं है, उसी के अनुसार वो चालान जारी करेगा। आप क्या करोगे, आपको चालान मिल गया, पुलिस वाले ने चालान दे दिया, आप जाओगे उसको लेके, या तो आप कोर्ट जाओगे या पुलिस स्टेशन जाओगे, जैसा भी आपका केस हो, मतलब अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर पुलिस केस बन जाता है, तो पुलिस स्टेशन जाएंगे। वैसे अगर नॉर्मल केस है तो आप कोर्ट में जाके फिर कर सकते हैं, तो या तो आप कोर्ट गए या पुलिस स्टेशन गए। अब यहाँ पर क्या होगा, पुलिस या कोर्ट में
यहाँ पे आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे या आपकी जो भी चीज़ें होंगी वो उसका देखेंगे कि भाई कि ये सही है कि नहीं सही है। अगर वो सही पाया जाता है तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी, ठीक है। या अगर इसी केस में अगर आपका मान लिया कि केस अगर गलत है, मान लिया कि किसी ने गलत लगा दिया है, तो उस केस में मान लिया आपके पास डॉक्यूमेंट्स उस समय नहीं है लेकिन आपने वहाँ पे जाके प्रेजेंट कर दिया है, तो उस केस में आपको नहीं भरनी पड़ेगी। या जो भी डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड होगा वो आपको नहीं भरना पड़ेगा, बाकी सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ भरनी पड़ेंगी। ये जो पुलिस वाले भाई साहब हैं ये क्या नहीं कर सकते, ये आपका जो फाइन है वो कलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। जुर्माना जमा नहीं करते हैं ये सिर्फ क्या करेंगे, ये सिर्फ जुर्माने को इम्पोज कर सकते हैं, मतलब चालान आपका लगा देंगे, जमा आपको बाकी जैसे मैंने बताया ऐसे करना पड़ेगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों को भी बताइए, क्योंकि आप दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं, जिनको ये नहीं पता है उनको बता सकते हैं कि ऐसा कोई वो खास रूल नहीं है जिसमें आपको हर चीज़ में आपको जुर्माना भरना ही भरना है, तो आप ऐसे जाके जुर्माने से बच सकते हैं। अगर आपको इसी टाइप के और वीडियो के अपडेट्स चाहिए तो आपको चैनल मेरा सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो नीचे सब्सक्राइब आ रहा होगा वहाँ पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए। बाय।